जीके किड्स। पंख वाले खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटे से खरगोश का घर था। इस खरगोश का नाम चिंटू था। चिंटू बाकी खरगोशों की तरह तेज दौड़ता था, फुर्तीला था और अपने झुंड के साथ मस्ती से दिन बिताता था। लेकिन चिंटू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। उसे एक खास बात ने बेचैन कर रखा था। उसका सपना था उड़ने का। जब भी वह आसमान में पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते हुए देखता तो उसके मन में एक तीव्र लालसा उठती, काश मेरे पास भी पंख होते और मैं भी आसमान में उड़ सकता। हर दिन चिंटू अपने दोस्तों को बताता, देखो वो चिड़िया, देखो वो बादलों के पास उड़ रही है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। उसके दोस्त हंसते और कहते, तुम एक खरगोश हो चिंटू, तुम्हारा काम जमीन पर दौड़ना है, उड़ना नहीं। लेकिन चिंटू की इस ख्वाहिश ने उसे और भी जिद्दी बना दिया था। एक दिन जब चिंटू जंगल के दूसरे हिस्से में घूम रहा था, उसने कुछ अनोखा देखा। एक बूढ़ा बाबा लंबी सफेद दाढ़ी और पुराने कपड़े पहने जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके पास कुछ अजीब जड़ी बूटियां, पत्थर और एक चमकदार छड़ी पड़ी थी। चिंटू ने पहले कभी किसी को इस तरह नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठी, शायद ये बाबा उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। चिंटू धीरे धीरे बाबा के पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा ने अपने आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है छोटे खरगोश? चिंटू ने बिना देरी किए हुए कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं आसमान में उड़ते हुए पक्षियों जैसा बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पंख दे सकते हैं? बाबा ने ध्यान से चिंटू को देखा, उसकी आंखों में चमक थी लेकिन साथ ही उसमें अनुभव की कमी और जल्दबाजी भी दिख रही थी। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी यह ख्वाहिश अनोखी है, लेकिन ध्यान रखना कि हर चीज का एक परिणाम होता है। क्या तुम सच में उड़ने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? चिंटू ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ बाबा, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पंख चाहिए। बाबा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई, कुछ मंत्र पढ़े और अचानक से चिंटू की पीठ पर दो बड़े चमकदार पंख उग आए। चिंटू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने पंखों को हिलाकर देखा और फिर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। कुछ ही पलों में वह जमीन से ऊपर उड़ गया और आसमान की ओर उड़ने लगा। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वह जोर से चिल्लाया, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। पहले कुछ दिनों तक चिंटू ने खूब मस्ती की। वह सुबह से शाम तक आसमान में उड़ता रहा, जंगल के ऊंचे पेड़ों के ऊपर, पहाड़ियों के पार और यहाँ तक कि नदी के पार भी वह उड़ान भरने लगा। उसके बाकी खरगोश दोस्तों और जंगल के जानवरों ने जब उसे उड़ते देखा तो वे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि चिंटू, जो कभी उनके साथ दौड़ा करता था, अब आसमान में उड़ रहा है। सभी जानवर उसकी तारीफ करने लगे। चिंटू को भी इस नए बदलाव से बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब वह अपने दोस्तों से मिलने कम आता और जब आता तो कहता, तुम लोग तो बस जमीन पर ही रह सकते हो, लेकिन मैं आसमान का राजा हूँ। तुम्हें पता है आसमान में बादलों के ऊपर कितनी खूबसूरती है। धीरे धीरे चिंटू का यह गर्व घमंड में बदलने लगा। अब वह अपने दोस्तों को छोटा समझने लगा। उसे लगता था कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसके मन में यह बात बैठ गई कि उड़ने की क्षमता उसे खास बनाती है और बाकी जानवर उससे नीचे हैं। चिंटू हर दिन अकेले उड़ान भरने निकलता। वह और भी ऊंचाइयों पर उड़ना चाहता था और दूर दूर के इलाकों को देखना चाहता था। एक दिन वह आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए सोचने लगा, अगर मैं और ऊंचा उड़ सकूं, तो शायद मैं इन बादलों से भी ऊपर पहुंच जाऊंगा, वहां की दुनिया कितनी अलग होगी। लेकिन वह यह भूल गया कि ऊंचाई जितनी बढ़ती है, खतरे भी उतने ही बढ़ते हैं।
चिंटू ने जैसे ही और ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश की, अचानक से तेज हवाओं का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि वह अपने पंखों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। चिंटू ने घबराहट से अपने पंखों को तेजी से हिलाया, लेकिन हवा उसे इधर उधर ढकेल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। चिंटू ने जोर से चिल्लाया, कोई बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं था। हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज कहीं गुम हो गई थी। चिंटू ने नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन को देख ही नहीं पा रहा था। वह बादलों के ऊपर फंसा हुआ था। उसकी पंखों की ताकत भी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब उसे अपने पंख बोझ की तरह लग रहे थे। वह नीचे जाना चाहता था, लेकिन पंख उसे ऊपर ही खींचे जा रहे थे। चिंटू को अब समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह चाहता था कि वह फिर से वही छोटा साधारण खरगोश बन जाए, जो खुशी खुशी जमीन पर दौड़ सकता था। चिंटू अब थक चुका था। वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर किसी तरह गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थी और उसके शरीर में अब उड़ने की ताकत नहीं बची थी। वह बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे समझ में आ गया था कि हर चीज की लालसा करना सही नहीं है। उसने आसमान में उड़ने की कल्पना तो की थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसकी यह इच्छा उसे मुसीबत में डाल देगी। चिंटू ने निराश होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा आपने सही कहा था, मुझे बिना सोचे समझे पंखों की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए थी। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी उसके सामने आई और बाबा फिर से प्रकट हुए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब तुम समझ गए कि हर ख्वाहिश को पूरा करना सही नहीं होता। जिम्मेदारी के बिना ताकत केवल बोझ बन जाती है। चिंटू ने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं घमंड में आ गया था और मैंने अपने दोस्तों को भी तुच्छ समझा। मुझे फिर से वही चिंटू बना दो जो पहले था। अब मुझे पंख नहीं चाहिए। बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू के पंख गायब हो गए। चिंटू ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब वह फिर से वही छोटा खुश मिजाज खरगोश बन चुका था। चिंटू खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास लौटा। उसने सभी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आकर तुम सबका दिल दुखाया। अब मैं समझ गया हूँ कि हर किसी को उसकी प्राकृतिक ताकतों के अनुसार ही रहना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसके दोस्तों ने उसे माफ कर दिया और फिर सब मिलकर खेलने लगे। चिंटू ने उस दिन से यह सीख लिया कि हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। वह अब आसमान में उड़ने का सपना नहीं देखता था, बल्कि जमीन पर दौड़ने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में ही खुश रहता था। शिक्षा, हर किसी की अपनी खासियत होती है और हमें अपनी ताकतों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या करने या खुद से उनसे बेहतर समझने की बजाय हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर संतुष्ट रहना चाहिए। हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं, कभी कभी उसकी पूरी न होना ही हमारे लिए सही होता है। धन्यवाद।